कोरोना महामारी को हराने के लिए सदर के विधायक सुभाष ठाकुर एक्शन मोड में आ गए हैं। इसी के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से सैनिटाइजेशन का अभियान क्षेत्र में शुरू किया गया है। इसी के तहत कुठेड़ा पंचायत को सदर युवा मोर्चा के द्वारा सैनिटाइज किया गया। इससे पूरे कार्य को युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की सहायता से अंजाम दिया गया। भाजपा जिला महामंत्री आशीष ढिल्लो ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए बिलासपुर जिला में योजनाबद्ध तरीके से काम किए जा रहे हैं। आशीष ढिल्लो ने बताया कि 2000 लीटर सैनिटाइजर केमिकल की व्यवस्था भी की गई है ताकि सदर क्षेत्र के हर पंचायत को सैनिटाइज किया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर कमी रहती है तो सदर के विधायक सुभाष ठाकुर की सहायता से और अधिक केमिकल की व्यवस्था की जाएगी। सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि कोरोना मरीजों के उपचार के लिए दवाइयां और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कोरोना पॉजिटिव ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में हैं। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग उनके साथ निरंतर संपर्क में है, लेकिन वे खुद व्यक्तिगत तौर पर भी सभी से संपर्क साधे हुए हैं तथा उनका कुशलक्षेम जान रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई भी जरूरत होती है तो वे उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलें। घरों से बाहर निकलते ही मास्क लगाना अनिवार्य समझें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखें। करने के लिए युवा मोर्चा की टीम और स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधि व पूर्व पंचायत के प्रतिनिधि और हमारे युवा मोर्चा के सारे पदाधिकारी, क्योंकि कई दिनों से कुठेड़ा से भी डिमांड आ रही थी कि सैनिटाइजेशन, क्योंकि यहां भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे, इसलिए लोगों की तरफ से था कि यहां पर सैनिटाइजेशन हो। तो आज युवा मोर्चा की टीम यहां भी जो सराहनीय काम कर रही है, उन्होंने आज यहां मार्केट में और धारवाड़ा में और लद्दा और कुछ अन्य क्षेत्रों में भी शाम तक ये जाएंगे और वहां पर सैनिटाइजेशन करेंगे और लोगों को एजुकेट भी करेंगे। और मैं भी ये कहना चाहूंगा कि कोरोना के साथ सभी लोग, जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पंचायती राज संस्थाएं, उनसे भी आह्वान करना चाहता हूं कि यह विश्वव्यापी महामारी है, इससे निपटने के लिए हम सभी को, यह मानवता के लिए विरुद्ध एक बहुत बड़ा बीमारी भी है और एक चुनौती भी है। इस चुनौती से जब तक आम व्यक्ति सहयोग और अपना कर्तव्य अगर निर्वहन नहीं करेगा, तब तक हम इस महामारी से पार नहीं पा सकते। और यहां मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं, उनके प्रति मैं भी उस दुख में सम्मिलित हूं, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और सभी आम नागरिक इसमें लगा हुआ है, उसके लिए मैं उनका स्वागत भी करता हूं और उनकी हौसला बजाई भी करता हूं, क्योंकि इस मौके पर और एक कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी है जिससे परिवार के सदस्य अपने ही परिवार के सदस्य से भी डरते हैं और ऐसा भय है कि यह कोरोना कहीं मुझे ना हो जाए। तो यह इससे भी आज युवा मोर्चा के लोग जिस तरह से लगे हुए हैं, वो लोगों को प्रोत्साहन भी कर रहे हैं और उनसे वो प्रेरित होकर लोग भी आगे सहयोग भी कर रहे हैं। और मैं आज ये कहना चाहूंगा कि यहां पर इन सभी पंचायतों में कोई भी किसी को किसी किस्म की आवश्यकता हो, कोई परेशानी हो, कोई सुझाव हो तो जरूर दें, मेरे मोबाइल पे भी दें, स्थानीय प्रतिनिधि हैं इनके मोबाइल पर दें और हमने पार्टी स्तर पर भी युवा मोर्चा और पार्टी के भी कुछ एक मोबाइल फोन दिए हैं, उसके ऊपर आप संपर्क भी कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में कोरोना को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इसके विरुद्ध पूरी सरकार, पूरा प्रशासन और सभी लोग लगे हुए हैं और यह सारे प्रदेश में बाकी प्रदेशों से अच्छी स्थिति है। और बिलासपुर जिला में मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर जिस तरह से घरों में भी क्वारंटाइन है, कुछ हमने डेडिकेटेड कोविड सेंटर्स बनाए हैं, वहां भी पूरी व्यवस्था है, पूरी देखरेख हो रही है। और आज इसके साथ साथ मैं कुछ मास्क और मास्क भी लाए हैं, वह भी हम यहां पर पंचायत प्रतिनिधियों को भी और बाकी लोगों को भी वो देंगे। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी सभी पंचायतों को 25,000 रुपया ये कोविड के स्प्रे के लिए और बाकी कामों के लिए जो दिया है, उसके लिए भी मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। और सभी वीडियो और अपने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी इस काम में लगें और लोगों का सहयोग भी लें और निश्चित तौर पर भारत जीतेगा कोरोना से
और विलासपुर भी कोरोना से जीतेगा। आप सभी के हौसले से हम सभी इस महामारी से पार भी पाएंगे और निश्चित तौर पर यह आने वाले समय के लिए हम सभी लोग इससे मिलजुल के हम इससे पार पाएंगे। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन परिवारों ने अपने परिवारजन खोए